हेट स्पीच मामले ने कांग्रेस ने चुनाव आयोग से लिखित शिकायत की है। यह शिकायत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सीएम रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के खिलाफ की गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आकर भड़काऊ भाषण देकर गए हैं, दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं। उन्हें 5 राज्यों में चुनावी सभा करने से रोका जाना चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से चर्चा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव और राजनांदगांव के प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ भी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की है। उन्होंने अमित शाह के भाषण को लेकर कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, इस पर कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मामले को सुनने के बाद आश्वासन दिया है कि विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कहीं आदर्श आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन। कांग्रेस पार्टी ने आज अमित शाह के खिलाफ, डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के खिलाफ चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत किया है।